इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बंगाल में तीसरे राउंड का चुनाव प्रचार अब से थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। इसके साथ ही असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने पूरा जोर तमिलनाडु में लगाया। वहां लगातार रैलियां की, पर दिक्कत इस बात की है कि तमिल बोलने वाले मुसलमानों को ओवैसी अपनी तकरीरों से इम्प्रेस करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब वो शेर व शायरी का सहारा ले रहे हैं। सवाल ऐसे में यह है कि तमिलनाडु में ओवैसी को कितने वोट मिलेंगे। सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजर से नजर मिलाकर जिए, सितमगर से नजर से नजर मिलाकर जिए। अगर दो दिन कम जिए, अगर दो दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या, अगर दो दिन कम जिए इसमें हैरत क्या। हम इनके साथ थे जो शमा जलाकर जिए। तमिलनाडु में कुल जमा 3 सीट पर चुनाव लड़ रही मजलिस के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पिछले 3 दिन से तमिलनाडु में हैं। वो करज रहे हैं, बरस रहे हैं, सेकुलरिज्म का बोझ उठाए फिर रहे हैं। चाहे डीएमके हो और डीएम के हो, ये दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, डीएमके ने भी बीजेपी का साथ दिया है, एडीएमके भी ने भी बीजेपी का साथ दिया है। बताइए फिर आप कैसे डीएमके को सेकुलर कहते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं, 30 अप्रैल 2002 गुजरात का फसाद चल रहा था, खून की होली खेली जा रही थी, इंसानियत को खत्म किया जा रहा था। जब लोकसभा में डिबेट हो रहा था तो यही डीएमके ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तारीफ की, अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ में उस मोशन का साथ किया। ओवैसी ने तमिलनाडु में टीटीवी दिनाकरन की पार्टी से गठबंधन किया है, जो खुद तमिलनाडु में कोई बड़ी सियासी ताकत नहीं, मगर ओवैसी की सरगर्मी देखकर यूं लगता है कि मुल्क भर के मुसलमानों के इकलौते लीडर वो ही हैं। वो लोकल मुद्दों से ज्यादा नेशनल इश्यूज की बात करते हैं। पिछले 60 साल से कम्युनल राइट्स में किसकी जायदादों को लूटा गया, पिछले 60 साल में किसकी मस्जिद को सारी दुनिया की आंखों के सामने शहीद कर दिया गया, पिछले 60 साल में किसने देखा कि तमाम एजुकेशन में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, ड्रॉप आउट रेट में, ग्रेजुएट होल्डर्स में कमी, ये सब किसकी है? ये सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी का फिगर आता है, इसका जिम्मेदार कौन है आप मुझे बताइए। आपको ओवैसी की मजबूरी समझनी होगी, वो खालिस उर्दू बोलते हैं हैदराबादी टच के साथ। तमिलनाडु में वो जिन मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं वो तमिल बोलते हैं। तमिल मुसलमान बरसों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच चुनाव करते आए हैं। ओवैसी तमिलनाडु में जिन सीटों, नंबर 1 वानियमबाड़ी, नंबर 2 कृष्णागिरी, नंबर 3 शंकरापुरम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से वानियमबाड़ी में ही ओवैसी के कैंडिडेट के लिए कुछ चांस दिखता है। बाकी की 2 सीटों पर उनके लिए उम्मीद ना के बराबर है। वानियमबाड़ी सीट तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में पड़ती है। यहाँ किसी भी कैंडिडेट की हार जीत का फैसला मुसलमान वोटर करते हैं, इसलिए ओवैसी यहाँ के फेरे लगा रहे हैं। वानियमबाड़ी में कुल करीब 2.25 लाख वोट हैं, इनमें से 70,000 मुसलमान वोटर हैं। 2016 में वानियमबाड़ी में ओवैसी की पार्टी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन जीत के लिए यहां कम से कम 50,000 वोट हासिल करने होंगे। पर क्या ओवैसी तमिलनाडु में इतने पॉपुलर हैं कि अपने प्रत्याशी को जिता सके, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ची राघवन पहुंचे वानियमबाड़ी, ताकि यहाँ के वोटर का मूड समझ सकें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तमिलनाडु में ओवैसी की पार्टी कोई सीट जीत सकेगी। ची
ओवैसी का शहर हैदराबाद अपनी बिरयानी के लिए मशहूर है। वहीं तमिलनाडु का वानियमबाड़ी भी अपनी खास आम्बूर बिरयानी के लिए जाना जाता है। ये इतनी पॉपुलर है कि वानियमबाड़ी में सभी उम्मीदवारों ने 10 मास्टर शेफ फायर किए हैं, जो प्रचार से थके मांदे कार्यकर्ताओं को वानियमबाड़ी की फेमस बिरयानी पेश करते हैं। सवाल ये है कि क्या वानियमबाड़ी के लोग हैदराबाद से आई सियासी बिरयानी पसंद करेंगे? वानियमबाड़ी और हैदराबाद के बीच में एक कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो कनेक्शन है बिरयानी का। हैदराबाद की बिरयानी भी बहुत फेमस है और वानियमबाड़ी और आम्बूर की बिरयानी भी बहुत फेमस है। लेकिन क्या इस बार वानियमबाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की बिरयानी पकेगी? कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम यहाँ पर न्यू दिल्ली, ये इलाका है काफ़ी फेमस इलाका है वानियमबाड़ी का, बात करने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ से जीत सकती है आपको लगता है? नहीं है, गए बार 10,000 वोट लिए, अभी कितना लेंगे वो पता नहीं है। लेकिन जीतने की हालत में है असदुद्दीन ओवैसी? उतना तो नहीं है। नहीं है, क्यों आपको लगता है क्यों नहीं है? यहाँ पर लीग बहुत मजबूत है। हाँ, लीग बहुत मजबूत है। अच्छा, अच्छा। मुसलमान का एरिया है, पूरा मुस्लिम है। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी को? जानते हैं? जानता हूँ। वो जो बातचीत करते हैं उससे आप बहुत, युवा लोग हैं बहुत प्रभावित होते हैं, तो क्या आपको लगता है इस बार लीग को टक्कर दे देंगे? डीएमके के सपोर्ट के साथ लीग के कैंडिडेट है यहाँ पर, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट जो है वो लीग को टक्कर दे सकते हैं आपको लगता है? नहीं दे सकते। क्यों आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं जीत सकते हैं यहाँ से? इस बार तो डीएमके को चले गए थे ना। अच्छा, डीएमके का अलायंस है तो मुश्किल है, नहीं पड़ेगा मुस्लिम को। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।